जाटे के सेब की खुशबू और मिठास इस बार भी देश के आम लोगों की पहुंच में होगी। राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद उत्पन्न हालात के बीच राज्य प्रशासन ने कश्मीरी सेब को देश भर की मंडियों में पहुंचाने के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इसके तहत दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में मंडियों में ट्रांसपोर्टेशन तथा अन्य संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सेब उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की भी तैयारी है। इससे जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति में और सुधार आएगा और बिना किसी रोक टोक के कश्मीरी सेब देश भर की मंडियों में पहुंचेगा। दो दिन से चंद्रमा के चारों ओर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मंडरा रहा भारत का चंद्रयान 2 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। लैंडिंग का समय करीब आते ही इसरो के वैज्ञानिकों सहित सभी की धड़कनें तेज होने लगी है। 978 करोड़ लागत वाले इस मिशन पर भारत सहित पूरी दुनिया की निगाह है। 1471 किलो के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो भारत ऐसा करने वाले दुनिया के 4 देशों में शामिल हो जाएगा। चंद्रमा पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही अपने यान उतार सका है। बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वैज्ञानिक लैंडिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी का ध्यान विक्रम की गतिविधि पर टिका है। इसरो अध्यक्ष के सिवन भी लैंडिंग को बेहद चुनौतीपूर्ण बता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो पहुंचकर 70 स्कूली बच्चों के साथ सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत को दक्षिण कोरिया का खुला समर्थन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरिया यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने ऐलान किया कि पाक अधिकृत कश्मीर में काम करने वाली अपनी कंपनियों को सरकार दोबारा 2014 में लागू की गई नीति के अनुसार कोई भी सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए कोरियन सरकार से बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं में निवेश को अवरुद्ध करने का आग्रह किया। भारतीय रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से टक्कर लेने के लिए भारत और जापान साथ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुरुवार को हुई मुलाकात में इस रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन गई है। चीन इस क्षेत्र में लगातार अपने सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ओसाका में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने व्यापार, संस्कृति और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात करके खुशी हुई। हमने कई विषयों पर गहराई से बातचीत की। हमने विशेष रूप से हमारे देशों के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध और बेहतर करने पर बात की। दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न वैश्विक मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश सचिव विजय गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वार्ता हुई। इस मुद्दे पर भारत और जापान के समान विचार है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के 14 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते मुंबई का हाल बेहाल हुआ है। मुंबई से उड़ान भरने वाली 30 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, जबकि 118 में देरी हुई है। रेलवे ने भी ट्रैक डूबने से 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जितना जरूरी सकल घरेलू उत्पाद GDP है, उतना ही जरूरी आम लोगों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम है। पूर्व राष्ट्रपति ने NDMC कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे।
दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने एनआईएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्र मंत्री पी चिदम्बरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। तिहाड़ जेल में चिदम्बरम की एंट्री गेट नंबर 4 से हुई। गुरुवार को उनकी जेल में पहली रात थी। जेल में बंद करने से पहले चिदम्बरम का मेडिकल टेस्ट किया गया और फिर डिनर में रोटी, दाल और चावल दिया गया, जबकि आज सुबह नाश्ते में उन्हें पोहा और चाय दिया गया। गौरतलब है कि रोज एवेन्यू कोर्ट ने चिदम्बरम के वकील की उनकी सीबीआई कस्टडी में ही रखने या घर पर नजरबंद रखने की दलील न मानते हुए 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्र मंत्री कपिल सिब्बल ने पी चिदम्बरम को अदालत से मिले दो झटकों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट करते हुए पूछा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारी मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? सरकार, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग अधिकारी, अदालतें। जिस दिन से अदालतें उसे सच मानने लगेंगी जो ईडी और सीबीआई कह रही है, तो उस दिन से भगवती से वेंकटाचलिया युग में निर्मित स्वतंत्रता के स्तंभ ढह जाएंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। देश की बड़ी दूध आपूर्ति करने वाली दूध कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से दिल्ली एनसीआर में गाय के दूध की कीमत 2 रुपए पड़ गई है। कंपनी ने नए दाम लागू होने के बाद गाय के दूध की कीमत 44 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि वो किसानों से कच्चा दूध खरीदने के लिए अधिक भुगतान कर रही है, जिसकी वजह से उसे गाय के दूध की कीमतों को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक से आप विधायक अलका लांबा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही पार्टी के साथ उनका सफर यहीं खत्म हो गया। इस्तीफे की जानकारी खुद अलका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने का समय आ गया है। पिछले 6 साल का सफर मेरे लिए काफी सीखने वाला रहा। सभी का शुक्रिया। जय हिंद।